देखिए ऐसा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस बात का निर्णय करता है, और शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय किया है कि हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ नहीं रहेगा, तो उसी के तहत आपने देखा होगा कि किस तरह से सभी पूरे मंत्रिमंडल ने जो है इस्तीफा दिया है, और शीघ्र ही जो है 4 बजे तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जहाँ तक हमें सूचना है, आगे जो भी घटनाक्रम होगा वो आप लोगों के सबकी नॉलेज में आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही जो है वो दोबारा से शपथ लेंगे और नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। बस ये नहीं लोकसभा देखिए चुनाव ऐसा चाहते है कि हैं। बाहर नहीं कर दिया गया, इसमें जो है कुछ इस तरह की जो है आपस में बातचीत होती है, जिस तरह की जो भी अगर हम लोकसभा की सीट्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में जिस तरह का एक बड़ी जो पार्टी होती है, एक केंद्रीय नेतृत्व की जो पार्टी होती है, मुझे लगता है कि उसके डिसीजन को जो है वो सर्वोपरि मानना चाहिए, लेकिन अगर जो है एक छोटी पार्टी होके भी अगर आप जिद की स्थिति में आते हैं कि नहीं हमें तो इतना नहीं इतनी सीट चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर जो है वो तारतम्य नहीं बैठ पाया और इसलिए जो है गठबंधन टूटा है। आपको लगता है कि सीट शेयरिंग में जो समन्वय नहीं बैठ पाया, इसी कारण हो सकता है? कारण और भी हो सकते हैं कई, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद जो सीट जो है उन सीटों का समन्वय जो है वो आपस में ठीक ठाक से हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो बेहतर तरीके से शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है कि मेजर कारण क्या रहे। लेकिन एक ये कारण भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व जो है, क्योंकि 10 की 10 सीटें हमारे पास थी पिछली बार और 10 की 10 सीटों पर हमारा दावा है, तो ऐसे उसमें जो है मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं कोई ये बात भी रही हो कि हमारा नेतृत्व जो है वो, तो प्रदेश का नेतृत्व वो नहीं चाहता कि हम 10 में से कोई सीट जो है वो किसी के साथ साझा करें। देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात है, क्योंकि सक्षम है हमारी पार्टी और अपने बलबूते के ऊपर ही जो है वो 2019 के अंदर भी जो है 10 की 10 लोकसभा की हम सीटें लेकर आए, और अपने बलबूते के ऊपर ही हमने जो है वो उनका समर्थन बेशक से लिया, लेकिन सरकार जो है वो मेजोरिटी के साथ हमने बनाई। देखिए ऐसा है कि अभी जिस तरह का जो दुर्व्यवहार जो है आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ, चाहे हम बात करें बांग्लादेश की, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की, दूसरे देशों में होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो एक मुस्लिम बाहुल्य जो है वो राष्ट्र है, ऐसे उसमें अगर वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उनके लिए जो है ये एक प्रोविजन रखा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मुस्लिम भाई ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं उनको इसमें कहीं कुछ परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन कोई बाहर से जो है अगर अल्पसंख्यक जो है अगर वो आते हैं तो उनके लिए प्रोविजन रखा गया है।